बैक टू माय चैनल। सो आज मैं करूंगी एक कुछ यूनिक टाइप का। तो आज मैं बताऊंगी कि जैसे हमारे ओल्ड क्लोथ हो जाते हैं तो हम उनको फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पे फेंकूंगी नहीं मैं, आज उनसे कुछ यूनिक बना के दिखाऊंगी। जैसे यहाँ पे मेरी एक ओल्ड टी शर्ट हो गई थी, तो उससे मैं एकदम मस्त वाला पॉली बैग बनाऊंगी। और यहाँ पे मेरी एक जीन्स भी थी जो अब मैं नहीं पहनना चाहती थी, और उसको भी मैं रीन्यू करके एकदम यूनिक स्टाइल दे दूंगी। उससे मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी, और उसके शॉर्ट्स को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 फ्लावर्स लिए हैं जिसको मैं पेस्ट करूँगी फेविक क्विक की हेल्प से। और यहाँ पे मैंने बड़ी वाली सीजर ली है ताकि ये आराम से कट जाए, वरना तो हाथ ही दुख जाएंगे काटते काटते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पिछली वाली वीडियो में आपने बिल्कुल भी लाइक नहीं करा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए, तो क्या जा रहा है आपका। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये है मेरी बेल बॉटम जीन्स वाइट कलर की, जिसको मैं नहीं पहनना चाहती थी, तो इससे मैं बनाऊंगी शॉर्ट्स। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मिल्टन चौक से यहाँ पे एक मार्क लगा लिया है उसका, उसको मैं कट करूँगी। तो चलिए कट करते हैं। तो ये कट गई है, इसका जो नीचे का है उसको हमें मूव कर देंगे। और ये जो हमारे शॉर्ट्स, अब इसको थोड़ा सा लुक अच्छा देने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे ये फ्लावर्स। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 फ्लावर्स लिए मैंने सेम कलर के, और उसको एक साइड पॉकेट पे लगाएंगे ताकि ये ज़्यादा ओवरलोड ना लगे। तो इसको हम फेविक क्विक की हेल्प से लगाएंगे। तो चलिए इसको भी लगा देते हैं। तो ये 3 फ्लावर्स भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, अब इनको कम से कम 1 घंटे के लिए तो सूखने लगे। तो लेट इट ड्राई। हाँ तो भाई, अब ये जो फ्लावर्स थे वो तो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके हैं एकदम, और इसकी लुक भी बहुत अच्छी हो गई है। अब जैसे ये नीचे थोड़े से ये टेढ़ा मेढ़ा कट हो ही जाता है वरना, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे 2 times। पहले नीचे से हम थोड़ा छोटा फोल्ड करेंगे तो, और फिर एक बड़ा फोल्ड करेंगे। और ये बन के रेडी है हमारा ब्यूटीफुल सा शॉर्ट्स। और जो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और जो ये फ्लावर्स, इसका लुक तो एकदम एलिगेंट लग रहा है, और सब पूरा ही अच्छा लग रहा है। और क्या बोलूँगा इसके बारे में। तो चलिए अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट चीज़ पे जो हम बनाएंगे टी शर्ट से। पहले बैग लेट्स स्टार्ट। तो लीजिए भी हमारा प्रिटी सा शॉर्ट बन के तैयार है। जो इतनी लंबी सी जीन्स थी वो अब इतना सुंदर सा एलिगेंट सा शॉर्ट बन गया है, तो ये अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट रीयूज की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक ओल्ड टी शर्ट ले ली है, और यहाँ पे मैंने एक चॉक ली है, मिल्टन चॉक मिली नहीं थी इसलिए। तो जो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी कि हमें कौन कौन सा कट करना है, तो सबसे पहले ये वाला मार्क कर देता हूँ बैक साइड। अभी इसको कट मत कीजिएगा, अभी इसको इक्वली पहले फोल्ड करते हैं। अब जो तो इस जो ये जो हम कट करेंगे इसको थोड़ा लंबा ही रखना ताकि वो इजीली से थोड़ा सही लगे। तो अब इसको कट करने की बारी आ चुकी, ये तो हो चुका है उससे। अभी तो ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, लेकिन जब बनेगा तब बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे, जैसे हम इतनी लाइन बना लेते हैं।
इतने हिस्से को हम सुई की मदद से सिल देंगे। तो सिल गया भी अच्छे से एकदम। अब जो इसका रिमेनिंग पार्ट है नीचे से ऐसे, ये जो बचा है, अब हम इसको ऐसे 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 करके कट करेंगे और उससे हमें बनाएंगे सुंदर सा पैटर्न। अच्छे से हो गया है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें सामान कैसा लगेगा। तो चलिए गए टेस्ट करते हैं। तो हमारा बैग बन के तैयार है, देख सकते हैं। और ये सामान रख के तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। और इसके अंदर आप जैसे बाहर जाएं तो अपने फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स भी रख सकते हैं और अपना मेकअप का सामान भी रख सकते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं बाहर और कोई आपके पास पाउच नहीं है तो आप इसमें भी रख सकते हैं, छोटा सा किसी में भी फिट हो जाएगा। ये है हमारा मैजिक बैग, एक तरह का मैजिक ही हुआ। जब टी शर्ट में से कोई बैग बना देगा तो मैजिक ही होता है भैया वो। तो अब देखते हैं इस मैजिक के पिटारे में से क्या निकलता है, क्या निकलता है इसके मैजिक के पिटारे में से। वो इसके मैजिक के पिटारे में से ये निकला है भाई, ये तो जरूर करना मांगता है। ये देखो, ये ज़रूर करेगा, ये लाइक सब्सक्राइब और शेयर क्या करना, वरना ना आपको ऐसा मैजिक नहीं मिल पाएगा। देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे भी रख दिया मैंने लाइक सब्सक्राइब शेयर, वरना ये ऐसा मैजिक बैग नहीं बनेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको ये सुंदर सा बैग बनाना सिखाया और शॉर्ट्स भी बनाना सिखाया। चलिए शॉर्ट्स को कैप करना है। तो ये था हमारा शॉर्ट्स और ये देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल शॉर्ट मैंने कहीं नहीं देखा। ये देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का।